वाला घर बनाती है भाई, इतने गंदे नेल्स। मामा पिग वाली स्टोरी सुनाए जो अपन ने सुनाई थी आपको। अपन ने जो सुनाई थी? हाँ जी। अच्छा, नहीं दर्द होती इतने गंदे में? पता ये इतने गंदे नेल्स हो ना, मैं सिर्फ वेट कर रही थी, मैंने वीडियो बनानी थी, इसी वजह से मैं आपके नेल्स ली थी कार की। इन्हीं नेल से ना मैल अंदर जाती है, और उसकी वजह से पता क्या होता है? क्या? मैल अंदर जाती है ना, ये इससे ना जो इतने ज्यादा ये जर्म्स हैं इसके अंदर, ये जो ब्लैक कलर के आपको नजर आ रहे हैं ना, ये जर्म्स। पिग वाली स्टोरी सुनाए। पिग वाली? हाँ जी। मुझे तो नहीं, वो जो आपने सुनाई थी। कौन सी वाली? वो जो पिग वाली थी आपने सुनाई। मुझे याद ही नहीं है। मामा जिसने जिसने घास का घर बनाया होता है, वो तो उसने कंप्लीट मुझे सुनाई ही नहीं थी। मैं आपको गाड़ी वाली सुनाती हूं। वाला बनाया था, और जितनी आती है ना उतनी सुना दे। मुझे नहीं याद है सीरियसली। अगर आपको याद है, अच्छा आपको याद है आप मुझे सुना दो। ठीक है, ठीक है। हाँ आप मुझे सुना दो। तीन ना पिग होते हैं। अच्छा। वो ना बड़ी मस्ती से खेलते हैं अपनी मामा पास। अच्छा, मस्ती से कैसे खेलते हैं? मस्ती से मतलब, मस्ती से खाना खाते हैं मतलब। अच्छा नहीं, मस्ती क्या होती है ये पूछ रही हूँ। मस्ती का मतलब होता है खेलना। अच्छा, मस्ती का मतलब होता है खेलना। अच्छा, हाँ जी, खेल के खाते थे वो। अच्छा फिर? तो ना भला क्या हुआ, एक दिन ना एक में से एक पिग ने कहा कि आओ हम बाहर जाके अपना घर बनाए। तो ना सारे कहते हैं हाँ हाँ हाँ। अच्छा, दूसरे पिग कहते हैं हाँ हाँ हाँ। तो भला क्या होता है, तो ना वो एक घास से बनाता है। अच्छा, और एक लकड़ियों से। अच्छा, और एक ना ब्लॉक से। ब्लॉक्स मतलब कि पत्थर से। अच्छा ठीक। तो ना जब वो एक बनाता है ना, वो ये इधर से भी काट दे, इधर से एक बनाता है ना सारे, तो ना एक वो एक ना भेड़िया आ जाता है। अच्छा, तीनों बना रहे थे अलग अलग घर? नहीं, बना लिया होता है ना तो। अच्छा, अच्छा फिर भेड़िया आ जाता है। फिर भेड़िया आ जाता है। हाँ। वो कहता है घास, पहले घास वाले के पास जाता है। अच्छा। वो कहता है के ना दरवाजा खोलो पिग, दरवाजा खोलो, मैं मना जोर से फूंक मार के तुम्हारा घर उड़ा दूंगा। तो उसको कैसे पता होता है कि अंदर पिग है? वो तो अपने घर के अंदर होते हैं। और नहीं, खिड़की से देख रहा होता है। अच्छा, ना खिड़की से ऐसे करके देख रहा होता है। हाँ जी, वो तो बड़ा तेज होता है जेर। अच्छा फिर पिग नहीं, वो ही भेड़िया। हाँ, भेड़िये की बात कर रही हूँ। अच्छा फिर क्या होता है? तो वो इतनी जोर से फूंक मारता है, इतनी जोर से सॉरी, उसका ना घर ही उड़ जाता है। अच्छा फिर उसके बाद ना वो भाग के ना लकड़ियों वाले घर में चले जाता है। अच्छा, तो उसमें फिर कहता है कि दरवाजा खोलो पिग, दरवाजा खोलो। अच्छा, मुन्ना मैं जोर से फूंक मार के तुम्हारा घर उड़ा दूंगा। अच्छा, तो ना वो कहता है नहीं नहीं नहीं। अच्छा, वो अंदर से कहता है नहीं नहीं नहीं। हाँ जी। अच्छा फिर? तो ना वो इतनी जोर से फूंक मारता है, उसका घर, उसका भी घर उड़ जाता है। तो ना उसके बाद ना ब्लॉक्स वाले घर में जाता है। अच्छा, फिर ना भला क्या होता है, फिर ना भला क्या होता है, उसमें फिर कहता है दरवाजा खोलो पिग, मरना मैंने जोर से फूंक मार के ना तो तुम्हारा घर उड़ा देना है। अच्छा फिर? वो कहता है नहीं नहीं नहीं। तो जब वो फूंक मारता है ना, तो ना उससे ना उड़ाया नहीं जाता, क्योंकि
पत्थर तो उड़ते नहीं है ना। वो ब्लॉक्स नहीं होगा, फिर रॉक्स होगा। रॉक्स? हाँ, रॉक्स बोलते हैं ना उसको। रॉक्स उड़ते नहीं है ना। स्टोन्स होती हैं या रॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स जिनसे आप खेलते हो ना बेबीज, वो होते हैं प्लास्टिक के छोटे छोटे से जो बने। रॉक्स बोलते हैं चट्टानों को, और स्टोन बोलते हैं ईंटों को। ये जो हमारा घर है ये ईंटों से बना हुआ है, उसका भी फिर यहाँ रॉक से बना होगा। वो रॉक से बना था तो ना जब वो फूंक मारता है ना, इतनी फूंके मारता है उससे वो ना उड़ता नहीं है। अच्छा, फिर तो ना उसके बाद उसके बाद ना वो घर के ऊपर जाता है। वो जो जहाँ से आग नहीं ना चलती, जहाँ से आग चलता है चलती है ना, जहाँ से पिज्जा पकाते हैं। हाँ, मुझे समझ लग गई। उधर से नीचे आने लगता है तो ना बच्चे ना माचिस पकड़ के ना आग नीचे जला देते हैं, तो ना उसकी ना सारी कमर वगैरह पे आग लग जाती है। अच्छा, भेड़िये की? हाँ जी, हाँ जी। वो चीखता नहीं है? नहीं। अच्छा, फिर क्या होता? थोड़ा बड़ा हो जाता है ना। अच्छा, थोड़ा बड़ा हो तो फिर दर्द नहीं होती? हाँ जी। अच्छा, छोटा होती है? अच्छा, फिर क्या होता? तो ना वो जाता है, अपनी गलती को समझता है, उसको साथ होता है। खत्म। अब दूसरे सुनाओ। मेरे बेटे ने बड़ी प्यारी स्टोरी सुनाई है, इससे हमें क्या लेसन मिलता है बेबी? आपने मुझे ये नहीं बताया ना। इससे हमें लेसन मिलता है कि ना कहीं बाहर नहीं जाना। भेड़िए के लिए नहीं, कहीं बाहर नहीं जाना तक फिर कोई हमें पकड़ लेगा। इससे ये भी लेसन मिलता है, और इससे ये भी लेसन मिलता है कि हमें अपने मामा बाबा की बात माननी चाहिए, क्योंकि बाहर के लोग बड़े डेंजरस होते हैं, जो कि हमारा गला भी काट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं आपके ना कान भी साफ करूं। आज जुम्मे है तो फिर जुम्मे वाले दिन ना फिर आपने नाई करनी है ना, तो फिर मेरे बेटे के मैं सुनो। अच्छा, एक ना गाड़ी होती है, आपने गौर से सुननी है, ये गाड़ी वाली है आपकी पसंद की, क्योंकि मेरे बेटे को तो गाड़ी बहुत 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 पसंद है ना। एक गाड़ी होती है, उसका नाम होता है उसका नाम होता है मेहरान। क्या होता है? मेहरान गाड़ी। ये वाला कान तो साफ है मेरे वो बेटे। मेहरान गाड़ी मैंने देखी है। देखी है? कहाँ से देखी है? वो उनके पास है। किनके पास? ऐसे करो ना, साकिब चाचू के पास तो सिटी है बेटे। सिटी? सिटी गाड़ी है। अयान अब्दुल्ला के बाबा ना, उनकी बात कर रहे हो ना? हाँ, उनके पास तो सिटी है। अच्छा, वो मेहरान गाड़ी होती है। मेहरान के मेहरान इसको मेहरान कौन सी होती है? जब आप पैदा नहीं थे ना हुए। हाँ, आप जब नहीं थे आपा। हाँ, जो नीचे खड़ी है उसको बोलते हैं। ये जो है ना, ये गाड़ी बड़ी मासूम होती है ना, छोटी सी होती है, क्यूट सी होती है, तो बड़ी मासूम होती है। जो सिटी है और जो स्विफ्ट है और जो जिस तरह विट्स है और क्रोला है, वो गाड़ियाँ जिस तरह वो क्या किसको कहते हैं, क्या कहते हैं? वो दूसरा वाला कान करो, ये मेरे इधर ऐसे रख लो ऐसे। अच्छा, वो गाड़ियाँ जो है ना वो ज्यादा तेज होती हैं। मामा, वो जो बड़ी होती है, बड़ी वाली गाड़ी जो गुगु मामू ने ली है, वो तो किया, वो है पिकांतो है, वो तो इतनी छोटी सी है, छोटे बेबीज वाली। नहीं, उसके उस शोरूम के अंदर बड़ी गाड़ी भी होती है ना, एक बड़ी गाड़ी किया स्पोर्टेज। स्पोर्टेज? हाँ जी, स्पोर्टेज। गुगु मामू ने तो नहीं बोली? क्यों, आपको किसने कहा? गुगु मामू के पास तो वही है। जब बाबा बड़े हो, जब बाबा के पास बाबा एज के हो जाएंगे ना, तो बाबा वो गाड़ी लेंगे। अभी बाबा पुआ रहे हैं आपके? हाँ जी,
भी पुअर है। अच्छा अभी आपके बाबा पुअर हैं तो रिच हो जाएंगे। रिच का क्या मतलब होता है? बस कर दे, बस थोड़ा सा रह गया। कान आपके साफ है? बस मैं थोड़े से कह रही हूँ जरा क्लीन कर दूँ और क्या, ताकि मेरे बेटे का ना, मैंने उसने साफ किए थे लेकिन अभी ना गंदी गंदी आ रही है। हाँ मैं जब छोटी होती थी ना, जो वो नहीं है बिरहा, उसकी जो दादू है ना, वो मेरे कान साफ करती होती थी। मुझे बड़ा मज़ा आता था, मुझे बड़ा प्यार। ये किसकी आवाज आ रही है? बेबीज हैं। अच्छा आपने कहानी तो मेरी सुनी नहीं है, स्टोरी। मामा बस कर ले। मेरे बेटे का वैसे भी कान बिल्कुल इतनी सी मैं लिख ली है, छोटी जी पिद्दी जी मैं लिख ली। अच्छा उसका नाम होता है, मामा बस कर दे। ये बस मैं बस आपकी ये देख लूँ ना, सर देख लूँ, थोड़ी सी आइलिंग कर लूँ, फिर आपा जी की करती हूँ। बेटे मैं देख लूँ आपकी इतनी बातें मानती हूँ ना, आप मेरी एक बात नहीं मानो। अच्छा वो जो होती है ना मेहरान जो होती है, वो छोटी सी होती है। मामा गाड़ी वाली ना सुनाए। तो किसकी सुनाऊं? आपको तो गाड़ी वाली पसंद है। पसंद नहीं है। क्यों? मुझे जैसे सुपरनाना स्टेशिया वाली कहानी सुनाऊं। हाँ वो मुझे सुनाओ, आज मेरा बेटा सुनाएगा। आज मेरा बेटा सुनाएगा, ठीक है? मैं सारी कहानियाँ सुनाता हूँ मेरे जब मेरे मुँह आए। अच्छा सुनाओ, मैं सुन रही हूँ, मैं सुन रही हूँ। आज मेरा बेटा सुनाएगा एक ना रैबिट और टर्टल की कहानी। अच्छा एक रैबिट होता है और एक टर्टल होता है। अच्छा जी, एक ना रैबिट होता है और एक टर्टल होता है। अच्छा एक टर्टल रैबिट ना बड़ी तेज भागता है, तो ना टर्टल आराम से चलता है ना, टर्टल है ना आराम से चलता है ना, तो ना वो ना उस पर हंसता है कि क्या कहते हैं टर्टल, टर्टल पे हंसता है। अच्छा जल्दी जल्दी साथ साथ सुनाए, साथ साथ मैं आपकी आइलिंग करूँ, बड़ा मज़ा आता है। अच्छा एक टर्टल होता है और एक रैबिट होता है। हाँ जी एक रैबिट होता है। अच्छा जी तो उसके बाद ना रैबिट मजाक उसका उड़ा रहा होता है ना, फिर तो ना कहता है झूठी मूठी कहता है, तो झूठ वाला कह रैबिट कहता है रैबिट ना बड़ा चलाक होता है। आपकी तरह? नहीं, नहीं मैं इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, मैं तो चलाक नहीं हूँ। आप क्या हो? आप क्या हो? मैं तो ओए होए क्या 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 सब कहते हैं कि ना फिर आपका आपके चैनल को सारे लाइक्स बड़े करें। आप चाहते हो ना कि आपके मामा के चैनल को सारे लाइक करें? और कुछ लोग कहते हैं कि जेर की जो आईलैशेस है ना ये बहुत प्यारी है, और जेर भी बहुत प्यारा है, और इसकी बातें भी बहुत क्यूट। चलो आप सुनाओ रैबिट वाली। रैबिट तेज होता है, क्लेवर होता है, या वो क्लेवर होता है? टर्टल ना ज्यादा तेज नहीं होता, टर्टल ना ज्यादा स्लो चलता है, स्लो। अच्छा टर्टल स्लो तो ना कहता है वो, कहता है वो के ना टर्टल आओ एक मेरे साथ रेस लगाओगे। अच्छा झूठी मूठी कह रहा है। अच्छा अच्छा फिर नहीं मजाक नहीं कर रहा था। अच्छा तो ना कहता है हाँ जरूर। अच्छा तो जब रेस लगाता है ना, हाँ जी तो ना अच्छा टर्टल इतना स्लो चल रहा होता है, रैबिट ना इतना तेज चल रहा होता है, रैबिट आगे बढ़ते जा रहा है होता है, तो ना टर्टल उधर से उसको देख रहा होता है कि कहीं वो है। अच्छा उसको ना कहीं नजर नहीं ना नहीं आता। अच्छा तो ना रैबिट जाते जाते ना सो जाता है। अच्छा अच्छा फिर तो ना टर्टल चल 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 के ना वो जीत जाता है। अच्छा टर्टल राम राम से चलता है लेकिन वो जीत जाता है। हाँ ये कैसे होता है, जबकि वो तो बड़ा रैबिट तो बड़ा क्लेवर होता है, कोई उसने उसको कोई चीज की थी? नहीं इतनी देर से वो सोया होता। अच्छा है सोने की वजह से, अपनी मतलब लेजी नेचर की वजह से, ठीक है। अच्छा फिर क्या होता है? फिर ना वो जीतता है, देखता है वो के जीतता है वो
या नहीं देखता है तो ना वो कहीं भी नहीं होता। अच्छा फिर तो ना आगे वो उसको लगता है कि वो ना पीछे रह गया मेरे। अच्छा, से फिर तो जब वो जीत जाता है ना तो ना वो देखता है टर्टल वहाँ होता है। ओ, पहले से वहाँ होता है पहले से ना। अच्छा क्योंकि वो जीत जाता है। अच्छा तो उसको ट्रॉफी मिलती है फिर उसको याद आता है कि मुझे सोना नहीं चाहिए था इसमें। अच्छा। लेसन मिला कि हमें रेस लगाते वक्त सोना नहीं चाहिए। आप सबको बताएं कि इसमें क्या लेसन मिलता है। इसमें लेसन मिलता है कि हमें सोना नहीं चाहिए और कभी भी किसी बात पे ना वो नहीं शर्त नहीं लगानी चाहिए कि मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा। किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, ठीक है। सबके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, ठीक है। ये मेरे बेटे ने सबको स्टोरी सुनाई। आप सब लोगों को पसंद आई है मेरे बेटे की स्टोरी? मेरे बेटे की स्टोरी बड़ी क्यूट होती हैं। कभी कभी उसका सर और मुँह नहीं होता लेकिन कभी कभी उसका सर और मुँह होता है ना बेबी। चलो सबको फ्लाई किस कर दो और हम अल्लाह हाफिज़ करें। बाय बाय फ्रॉम